एसी फुल टाइम मुझे ऑन चाहिए होता है, मेकअप होता है तो पिघल ना जाए, और ढेर सारी गॉसिप जो कि हर लड़कियों को पसंद है, हम बैठे बैठे बस लड़कियों वाली बातें करते रहते जब हमारे पास थोड़े कम सीन होते। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। नमस्कार, मैं हूँ मनुल और आप मेरे मेकअप रूम में आ गए हैं। ये अलीबाबा का सेट है और ये मरियम का रूम है। सो हम शुरुआत करते हैं हमारे हैंगर्स यहाँ आके। हम पहले मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे हुडीज़ और ये सब हम रख देते हैं क्योंकि एसी फुल टाइम मुझे ऑन चाहिए होता है, मेकअप होता है तो पिघल ना जाए, तो ठंडी लगते रहती है, तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े लटकाती हूँ। मेरे कॉस्ट्यूम्स और ये सब जब भी आते हैं वो सब भी यहीं पे लगते हैं। दूसरा है ये मेरी स्पेस है जहाँ पर हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं, एंड ऑब्वियसली लाइक मुझे ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ये सब खाते रहती हूँ। ये लस्सी है भजन लाल की, एंड दिस इज़ लाइक मैं घर से खाना लेकर आती हूँ। मेरी मम्मी बढ़िया खाना बनाती है, एकदम ही सुबह उठकर मेरे लिए बहुत एफर्ट्स लेती है, इतना प्यार देती है, तो आई वांट टू थैंक माय मदर कि सुबह सुबह 6 बजे उठकर खाना बनाती है मेरे लिए। और आप जैसे देख सकते हैं मेरा रूम काफ़ी ब्यूटीफुल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर हीरो की शूटिंग हुआ करती थी अलीबाबा से पहले, तो ये रूम अभिषेक निगम का ही हुआ करता था जो कि अब हमारा रूम है। तो ये सब पहले से ऐसे ही सेट था, काफ़ी प्रिटी रूम मिला था हमें ऐसे ही। और यहाँ पर हम बैठते हैं और यहाँ बैठकर हम अपना मेकअप करते हैं बिल्कुल ऐसे ही और अच्छे अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं आप सभी के लिए। ओके, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगी मधुर, आपके रूम का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है? मेरे रूम का मेरा फेवरेट पार्ट है ये कितना प्रिटी आप देख रहे हैं, मतलब किसी को भी प्यार हो जाए। और ऑल्सो दिस हैंगर, यू नो यहाँ पर मैं इतने सारे, आज तो मेरे कपड़े कम है क्योंकि मैं थोड़े मुझे वॉश के लिए लेकर जाने थे घर पे कि मैं रख दूँ, तो मैंने थोड़े वॉश के लिए लेकर गई हूँ, अदरवाइज मुझे पता भी नहीं था कि आप आने वाले हो। ओके, सबसे ज़्यादा अगर रूम में बात करें तो फर्स्ट एज एक्टर्स आप लोग तैयार ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल स्पेस हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या करती है? यहाँ पर मेरी दो अभी नई फ्रेंड्स बनी हुई हैं जो शो में शहजादियों की रोल प्ले कर रही है, जो मेरे साथ आपको दिखेगी, जो मेरी दोस्त बनी हुई हैं, तो उनके साथ बैठकर मैं अपना लंच करती हूँ यहाँ पर, और ढेर सारी गॉसिप जो कि हर लड़कियों को पसंद है, हम बैठे बैठे बस लड़कियों वाली बातें करते रहते जब हमारे पास थोड़े कम सीन होते, जो कि ऐसा होता है नहीं। तो यहाँ मैं बैठे बैठे अपनी स्क्रिप्ट लर्न करती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सीन्स है जो आपको हमें नहीं दिखाना चाहिए, पर मेकअप रूम भी होम अवे फ्रॉम होम ही होता है, बिकॉज़ दिस इज़ माय सेकंड हाउस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहीं पे मैं अगर कभी थकी हुई होती तो यहीं सो जाती हूँ मैं कभी यहाँ पर, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा कपड़े आकर भी रखती हूँ कि यू नो जस्ट इन केस कि हमें टाइम ना मिले तो यहीं से कपड़े लेकर जाऊँ और यहीं पर आके। सो दिस इज़ लाइक माई सेकेंड हाउस जहाँ पर मैं आधे से ज़्यादा टाइम, मैं घर पर ऐसा लगता है मुझे सिर्फ सोने जाती हूँ, उसके अलावा मेरा पूरा दिन बस सेट पर ही गुजरता है। लास्टली मैं जानना चाहूँगी मनुल आपसे कि व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू इन योर मेकअप? द मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू इन माई मेकअप इज माई मेकअप। द गर्ल्स लाइक, गर्ल्स कम ऑन, हूट फॉर इट, किस लड़कियों को मेकअप करना पसंद नहीं, और इतने अच्छे हम, थोड़ा थोड़ा मेकअप का भी इफेक्ट है, थोड़ा थोड़ा यू नो, सो आई लव माय मेकअप रूम बिकॉज हम यहाँ आते हैं मेकअप करते हैं पूरे अच्छी तरीके से ड्रेस होते हैं और हमारा लुक एकदम बदल जाता है और हम बन जाते हैं आपकी मरियम। थैंक यू।